हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जी वेडकॉम चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेकंड असाइनमेंट सत्र 2020-21 कक्षा 12वीं संस्कृत पेपर को। एक बात बोलना चाहूँगा, इस वीडियो में उन बच्चों के लिए बनाया हूँ जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में असमर्थ है और फिर भी ये असाइनमेंट को पूरा करने में असमर्थ हैं। उन बच्चों के लिए बनाया हूँ, जो समर्थ हैं उन बच्चों को मैं बोलता हूँ कि आप अपनी इच्छा है तो देख सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। न अधोलिखितम श्लोकम पठित प्रदत्त प्रश्न संस्कृत न उत्तरत। नीचे दिया गया है एक श्लोक है, उसके आधार पर नीचे क्वेश्चन पूछा है। ना कितना करना है, ना पांच क्वेश्चन का आंसर देना है, 5 मार्क है हर क्वेश्चन के लिए, 1 मार्क है, तो नीचे 6 क्वेश्चन दिया है। चलो देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। ना रघुवंशी न अंत के न तदु तनु त्यजंती। देखो इसका उत्तर क्या होगा, ना रघुवंशी न अंत योगे न तनु त्यजंती, क्योंकि ये श्लोक में है योगे न अंत तनु त्यजम, तो जोगे न अंत तनु त्यजंती, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना रघुवंशी न अंत के न, उसके आधार पर तृतीय विभक्ति में हो जाएगा क्या, योगे न तनु त्यजंती। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है, कवि ही केशम अन्वयम बख्ये। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना कवि ही रघुणम अन्वयम बख्ये, ठीक है। केशम क्वेश्चन पूछा है षष्ठी विभक्ति में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ना रघुणम। थर्ड नंबर पर पूछा है, अविद्यानम इति पदस्य श्लोके विलोम पदम किम प्रयुक्तम। देखो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में जो श्लोक है, शैशवे अध्यस्त विद्यानम, तो इसके अविद्यानम का विपर्य पद क्या हो जाएगा, विलोम पद ना, अविद्यानम इति पदस्य श्लोके विलोम पदम भवति क्या, विद्यानम। फोर नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, त्यजंती इति पदस्य लकार लिखत। त्यजंती हम जानते हैं जो धातु रूप है लट लकार में, त्यजति त्यजत त्यजंती, अर्थात ये बहुवचन में है तो लट लकार में इसका आंसर होगा। लकार पूछा है क्वेश्चन में, तो आंसर क्या जाएगा, ना लट लकार। पांच नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, अनु धन अयम इति पदस्य संधि पदम किम। देखो अनु धन अयम क्या जाएगा, अन्वयम, ये हो जाएगा आपका यण संधि, ठीक है। इको यणची इति फॉर्मूला में इसका आंसर होगा अनु धन अयम अन्वयम। सिक्स नंबर पे पूछा है, श्रोत्रम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। श्रोत्रम अर्थात क्या है, कान जो कर्ण होता है ना, इसमें श्लोक में भी प्रयुक्त है कर्ण, तो इसका आंसर क्या जाएगा, श्रोत्रम इत्यर्थे अत्र किम कर्णम इति पदम प्रयुक्तम। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसी बीच में एक बात बोलना चाहूँगा, अगर पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन क्लिक करना, ताकि आने वाले हर समय पर जब मैं इस रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना और दोस्तों को शेयर करने को बिल्कुल ना भूलना। चलो देखेंगे अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा संस्कृत भाषाया उत्तरत केषामचित् पञ्चानाम। इसमें देखो ये गद्यांश दिया गया है जो पैसेज, इसके नीचे 6 क्वेश्चन पूछा है। ये 5 अंक वाला क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, तो 5-6 दिया है, हमको 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। चलो देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, किदृशः सन्यासी दृष्ट। देखो किदृशः सन्यासी दृष्ट, ये जो गद्यांश है उसका लास्ट सेंटेंस में है, इसका आंसर देखो क्या ना, भव्यभूति ही सन्यासी दृष्ट। सेकंड नंबर पे पूछा है, बदशीति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। देखो बदशी क्या, हम धातु रूप में पढ़े जो लट लकार प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा अपना, पठती पठता पठंती, मध्यम पुरुष में पठसी पठत पठत, तो इसमें बदती बदता बदंती, बदसी है मतलब क्या, उसका कर्तृपदम क्या जाएगा ना, त्वम, ठीक है, मध्यम पुरुष। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, अद्य धन अपि अस्य संधियुक्त पदम किम भविष्यति। अद्य धन अपि ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि, अद्य धन अपि अद्यापि आदेश हुआ है नी। फोर नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, आगत्य इति पदे को प्रत्यय। देखो आगत्य ना आ उपसर्ग पूर्वकम गम धातु ल्य प्रत्ययात आगत्य इति पद निष्पद्यते, अर्थात ये आगत्य इति पदे ल्य प्रत्यय, ठीक है। फाइव नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कासायणी वंशासी धारयति इति पदस्य समास पदम। देखो कासायणी वंशासी धारयति यह सह कासाय वास, ये आपका जो पैसेज का लास्ट सेंटेंस में है,
सिक्स नंबर पे पूछा है मंद स्वर मेदुरा इति पदस्य हिंदी भाषा में किम अर्थ प्रयुक्त। देखो मंद मंद अर्थात क्या है, शांत अर्थ व धीर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा ना, मंद स्वर मेदुरा का अर्थ हो जाएगा धीर स्वर में अथवा शांत स्वर में, लेकिन मंद का अर्थ धीर अथवा शांत होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका लिखा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा था। देखो बच्चों ये आपका पुस्तक से क्वेश्चन आया है, या तो पुस्तक मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसका आंसर नहीं कर पाया हूँ, मैं सिर्फ ये ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर बनाया हूँ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फोर नंबर क्वेश्चन को। फोर नंबर पे क्वेश्चन पूछा है भवान दीपक स्वप्राचार्य प्रति अवकाशम ग्रहितुम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत। देखो इसमें आप अपना नाम को ही भूल जाना, चाहे आप बॉयज हो या गर्ल्स हो, अपना नाम को ही भूल जाना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा है भवान दीपक, आप दीपक ही अपना नाम को सोचना। ठीक है, स्वप्राचार्य प्रति अवकाशम ग्रहितुम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत। अपना प्राचार्य प्रिंसिपल के पास अपना अवकाश के लिए आप एक एप्लीकेशन लिखने के लिए। ठीक है, मैं लिखा हूँ, देखो सेवायाम हम जैसे हिंदी में लिखते हैं सेम संस्कृत में लिखना है, बस भाषा का अंतर है। जैसे हम लिखते हैं सेवायाम श्रीमान प्राचार्य महोदय, देखो यहाँ पे आपका स्कूल का नाम लिखना है, जो तो आप 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो स्कूल निश्चित रूप से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होना ही चाहिए, और उसका जो गांव का नाम हो या शहर का नाम आप लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट विषय रहेगा, विषय तो अवकाश है या प्रार्थना पत्रम। नेक्स्ट क्या हो जाएगा ना, महोदय सविनयम निवेद्यते यते अहम दीपक, जैसे आप दीपक है तो आप यहाँ दीपक ही लिखना। द्वादश कक्षायाम छात्र अस्मि अहम स्व मम परिवार साकम पुण्यक्षेत्र दर्शनाय श्रीक्षेत्रम पुरीम प्रति गमिष्यामि। अतः पंचदिनम अर्थात 20 तारीख से 24 तारीख तक नवंबर महीना का। ठीक है, तो 5 दिन हो जाता है क्या, 20 21 22 23 24, तो 5 दिन हो जाएगा पर्यंतम विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्मि, अतः पंचदिनम अवकाशम प्रदाय अनुग्रहणान्तो भवान इति भवतः आज्ञाकारी छात्र दीपक कक्षा बारहवीं क्रमांक महल साथ लिखा हूँ, तो आप अपनी तरफ से लिखेंगे। दिनांक तो लिखना जरूर है क्योंकि 19 तारीख को देंगे तो आप 20 तारीख से छुट्टी लेंगे। ठीक है, इस बीच एक बात बोलना चाहूँगा, इसमें तो आपका बारहवीं संस्कृत पेपर का क्वेश्चन कम्प्लीट हो रहा है, मैं जैसे लिखा हूँ आप ऐसे को पूरा कॉपरेट नहीं करना है, आप इसे भी और कुछ बेहतर करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।